हाँ तो गाइस, मेरा फेवरेट फेवरेट आ गया है सूप, और बहुत ही यम्मी यम्मी लगता है। तो हल्का भी होता है, लाइट होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज बहुत अच्छी प्यारी प्यारी धूप निकली हुई है और ठंड का मौसम है, तो आज है मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मैंने क्लीनिंग श्लीनिंग कर ली है और अपनी स्लीपर भी वॉश करके रख दी है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ। सो गाइज, मैं आज जा रही हूँ आप लोग को नजफगढ़ की मार्केट दिखाने के लिए, जो कि ग्रे लाइन पे पड़ती है। और काफ़ी अच्छा उसमें कलेक्शन होने वाला है, आपको दिखाने वाले हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहें, और बनने से पहले मेरे चैनल को, जिसने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। और हाँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलिए गाइस, चलते हैं मार्केट की तरफ फिर। गाइस, तो मैं यहाँ जब पहुँची, देख सकते हैं 50 की रेंज में यहाँ पर कितने सारे कलेक्शन हैं, जो कि वुलन वुलन लगे हुए हैं। और आप लोग अगर अभी जाएंगे तो आप लोग को ये सारे कलेक्शन वहाँ पर मिलने वाले हैं, नजफगढ़ की मार्केट में। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्वेटर कितने प्यारे प्यारे हैं, और काफ़ी डार्क शेड्स के भी हैं और लाइट शेड्स के भी हैं। और ये तो फ्रॉक थी वुलन, ये तो बहुत प्यारी सी मुझे लग रही थी। और इसके आगे गाइस, ये 100 के कलेक्शन की सेल है। तो 100 के कलेक्शन की सेल में भी यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर हैं, और 50 के भी यहाँ पे वैसे कई सारे मिलेंगे। और 50 की रेंज में देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे प्यारे प्यारे कार्डिगन और स्वेटर वगैरह यहाँ पर हैं। और यहाँ पर लाइट लाइट है, और ये स्वेटर की स्लीव जो थी वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलिए इसको निकाल कर अच्छे से आपको बाहर से मैं दिखाती हूँ। फिर गाइस आगे गए, तो फिर वहाँ पर मैंने ये सारे कपड़े देखे। ये भी तकरीबन 50 के ही रेंज में थे, और काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग कपड़ों के कलेक्शन थे। ये जो ब्लैक कलर की कुर्ती थी, ये काफ़ी प्यारी लग रही थी, और पूरी वुलन कुर्ती थी और काफ़ी अच्छी है। ये है कि फुल भी है, आपको ठंड भी नहीं लगेगी, और वुलन है तो ये डबल फ़ायदा है आप ही लोगों का इसमें। फिर गाइस, अब ये दूसरी तरफ देखते हैं, यहाँ पे भी लॉन्ग फ्रॉक और शॉर्ट दोनों ही के कलेक्शन थे, और इसके अलावा भी फैब्रिक थे। और मुझे ये भी प्यारा लग रहा था, वाइट कलर की फ्रॉक थी जो कि काफ़ी प्यारी लग रही थी, बट मेरे साइज़ की नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिया, और 100 की रेंज में थी ये। और ये भी है ब्लैक कलर का, जिसके आप देख रहे हैं ढीला ढाला सा प्यारा सा कुर्ता है, इसके गले की डिज़ाइन ये है। और ये है वुलन, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इसका कलर भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये भी कहना गाइस, मेरे साइज़ का नहीं है और जो पसंद आ रहा था, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे साइज़ का नहीं है। और 50 की रेंज में यहाँ पर हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर वुलन कलेक्शन। तो वुलन में ही मुझे ये भी सारे चेक्स वगैरह में थे, काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये फ्रॉक भी, बहुत प्यारी लग रही थी, बट ये भी काफ़ी फिटिंग की थी। और भी सारे यहाँ पे सब 50 के ही रेंज में थे, और आप देख सकते हैं इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन के यहाँ पर है पहनने वाले, और कितना अच्छा लग रहा है। कपड़े के भी आप देख रहे हैं वैरायटी कई सारी की, और ये वेलवेट कपड़े के ऊपर थी फ्रॉक, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी, बस स्लीवलेस थी। और ये भी फ्रॉक थी, काफ़ी प्यारी लग रही थी। और ये जो कुर्ता था, ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है इसमें, आप देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बट इसका जब तक कंप्लीट सेट ना हो तब तक ये अच्छा नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारे प्यारे कलर के यहाँ पे कुर्ते आपको देखने को मिल रहे हैं, और वो भी कितने कम रेट में मिल रहे हैं, और कितने ज़्यादा कलेक्शन हैं यहाँ मार्केट में। तो ये तो पूरा फुल ब्लैक पे ब्लैक था, ब्लैक वर्क ज़्यादातर अच्छा लगता है, बट मेरे पास बहुत सारा ब्लैक है, मैं नहीं लूँगी। और ये देखिए गाइस, ये कितना प्यारा लग रहा है कुर्ता। और ये देखिए, ये भी वुलन है, डबल पहनने वाला था, और 100 की रेंज में है सिर्फ, और कितना प्यारा प्यारा है। बट ये है कि यहाँ पर साइज़ अगर थोड़ा हेल्दी लोग हों, डबल एक्सल देखे जाए तो बहुत कम ही चीज़ें मिलती हैं। बाकी अगर कोई एक्सल साइज़ में देखे या एस साइज़ में देखेगा स्मॉल, तो उसमें कई सारे कपड़ों के ऑप्शन मिल जाते हैं आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि वो डिज़ाइनर काफ़ी होते हैं, इसलिए आप लोग को मिल जाते हैं। फिर गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये भी वुलन ब्लैक कलर की सोबर सिंपल सी फ्रॉक है, जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है।
और यहाँ पे पूरी पूरी आपको ये शॉप दिखाई देगी पूरी वुलन कलेक्शन की, और जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, पूरा वुलन ही कलेक्शन है यहाँ पर। और ये तो लॉन्ग में वुलन था जो कि पूरा फुल था एकदम कवर्ड, और फिर ये बैग की शॉप है जो कि आप लोग को मैं अब दिखाती हूँ। आप लोग बैगों को देखिए कितने ध्यान से, कितने खूबसूरत खूबसूरत बैग हैं यहाँ पर। गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी ब्रांड्स कॉपी भी की हुई है बैग्स में, जो कि काफ़ी अच्छे रेट में मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और आप लोग देखकर कॉपी, लाख लाख बैग की कॉपी आप सिर्फ हज़ारों में ले सकते हैं यहाँ पर आकर के, जो कि आप लोग अपने शौक़ पूरे कर सकते हैं हज़ारों में भी लाखों के बैग के। तो मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि हाँ चलो जो चीज़ें हम लाख में देखते हैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सो हम लोग यहाँ पर आकर के अपनी वो चीज़ें पूरी कर सकते हैं। बाकी आप कलर वाइज भी देख सकते हैं, साइज़ वाइज भी देख सकते हैं, इसमें कितनी तरह के कितनी सारी चीज़ें हैं। फिर गाइज़ ये है ब्यूटी ब्लेंडर का, जो कि काफ़ी अच्छे से पैक था। मैंने कहा चलिए आप लोग को दिखाते हैं। उसकी रेट और सिर्फ 150 रुपीज़ में था। बाकी यहाँ पे बहुत सारी स्क्रंचीज़ वगैरह थी, और यहाँ पे जो बैंगल्स के कलेक्शन थे वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं, मैं करीब से आपको दिखा रही हूँ। कुंदन के नग वगैरह पे भी बनाई गई है, इसकी भी कॉपी की गई है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लग रहे हैं। और चूड़ों के तो माशाल्लाह बहुत सारे कलेक्शन हैं यहाँ पर, एक से एक कलेक्शन आप देख सकते हैं, और एक से एक डिज़ाइन, कलर, एक से एक चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर गाइज ये है पूरा वुलन का सेट, और फिर किड्स शोरूम है जिसमें सिर्फ और आप यहाँ पर किड्स के ही कपड़े पाएंगे। फिर गाइज हम अलग गए, वहाँ पर मैंने ये लहंगे के कलेक्शन देखे जो कि काफ़ी प्यारे थे, ये 2000 में दे रहे थे। फिर गाइज हम आगे की तरफ गए और हमने यहाँ पे बच्चों के देखे कितने सारे कपड़े हैं, कितने सारे कलेक्शन हैं प्यारे प्यारे से वुलन। और फिर उसके बाहर भी आप देख सकते हैं इस तरीके की रेडीमेड के कपड़ों की भी शॉप लगी रहती है। सारे सिले हुए कुर्ते कॉटन के वो सारे दे रहे हैं, और पर्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। लहंगा आप सिर्फ 1000 की रेंज में देख सकते हैं, जो सेल लगी हुई है उसमें एक से खूबसूरत लहंगे आप लोग को देखने से मिलेंगे यहाँ पर, और कलरफुल में आपको मिलेंगे यहाँ पर, एक ही कलर के नहीं मिलेंगे। बाकी जो और प्यारे हैं वो 1500 की रेंज में हैं, जो कि आप लोग को शायद कहीं 4-5 हज़ार के मिलेंगे, वो आपको 1500 के ही यहाँ पर मिलेंगे। सो गाइज अगर आप लोग में से किसी को लेना है शादी के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी है मार्केट इस चीज़ के मामले में, तो आप लोग यहाँ पर विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूले, और यहाँ पर आकर के ज़रूर से ज़रूर देखें। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, जो कि आप लोग ने भी शायद मार्केट में देखा होगा तो कहीं 4, कहीं 5, तो कहीं 8 हज़ार से नीचे के रेट में ये आप लोग को मिलना पॉसिबल नहीं है। और फिर जो थीम उन्होंने ये दो लहंगे सेलेक्ट करके रखे थे यहाँ पर,
जो कि रखे हुए हैं। बाकी ये मेहरून और रेड जो हैं ये काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी थी और मुझे जो लहंगा पसंद आया वो ये था। और मुझे ये लहंगा बहुत प्यारा लगा क्योंकि ना इसका जो कलर था वो काफ़ी लाइट कलर था और जो वर्क था वो बनारसी पे था। बनारसी वर्क काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें साथ ही केन केन भी दिया है जो कि आप लोगों को बहुत महंगे लहंगों के साथ ही मिल सकती है और वैसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है। और इसका जो दुपट्टा था वो काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट भी है और कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है। और साथ ही इसका जो ब्लाउज़ था वो इसके दुपट्टे के बॉर्डर वाला था जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है।